जो मेरी किस्म की गुफ्तगू करना जानते हैं तो तकरीबन 12 मान लीजिए, और मैं समझता हूं कि उन 12 में से दूसरा या तीसरा नाम डॉक्टर हिलाल बदायूं का यकीनी तौर पर होगा। बहुत कम वक्त में डॉक्टर हिलाल बदायूं ने अपने खूबसूरत निजामत का लोहा मनवाया है। मैं उनके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, एक जमाने से उन्हें जानता हूँ, लेकिन आप भी उन्हें जानते हैं, उनके जो है कलाम सुनते रहते हैं, उनकी तस्वीर आम तौर पर जो है खूब होती रहती है। बहरहाल इन चार मित्रों से मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी जो है हम डाइस पर जो है माइक पर जो है बुलाएं, कि इस वक्त के बारे में तो सोचा भी नहीं था, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी नहीं था, बेटों से जईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो सब बांट लिए शोक से नुसरत, इससे में किसी के भी मगर मां नहीं आई। जनाब डॉक्टर हलील हिलाल बदायूं साहब, नवाजिश। दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग मुशायरे के इख्तिताम तक इस हिस्से तक साथ हैं। मुबारकबाद की पहुंचता है डॉक्टर नफीस बिलारी साहब बहार गजल के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहारें इस बिलारी में दायम और कायम रहेंगी। उस्ताद मोहतरम हजरत जमीर सालकी साहब की बामकान सदारत तमाम मोहसिन शोरे कराम, बिलखसूस आज हमारी फहरिस्त में डॉक्टर अफजल मंगलोरी साहब भी तशरीफ फरमाए, अपने मकाम पर वो भी नजर रहोगे। मेरे बड़े ही भाई जो हमेशा अपनी शफकत से नवाजते हैं अपने अल्फाज के जरिए से, मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर तारिक साहब, दीगर मेरे मोहसिन अहबाब, अस्सलामु अलैकुम। हाजिर करता हूँ जो मेरा मिजाज है कतात के हवाले से आप तक पहुँचता हूँ। वैक्सीन तो मेरे पास भी सारी है जैसा कि आरिफ भाई ने कहा, मगर माहौल निजामत करते करते बड़ा संजीदा हो जाता है, तो उसी तरह से मैं आपके दिल तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। और चार मिसरे ये थोड़ा सा मैंने कहे अपने इस नाम के हवाले से जो इसका मानी होता है, तो असातिज़ा से थोड़ा सा माज़रत तलब करते हुए मानसर करता हूँ बाकी आपके हवाले कि नूर हूँ, नूर की मिसाल हूँ मैं, नूर हूँ नूर की मिसाल हूँ मैं, खुद ही माजी हूँ खुद ही हाल हूँ मैं, नूर हूँ नूर की मिसाल हूँ मैं, खुद ही माजी हूँ खुद ही हाल हूँ मैं, मैंने सूरज को पीछे रखा है तुम नहीं जानते हिलाल हूँ मैं, मैंने सूरज को पीछे रखा है तुम नहीं जानते हिलाल हूँ मैं दूर होके भी रहता हूँ सबकी नजरों में, मैं दूर होके भी। सैयद हाशिम मुरादाबादी साहब मेरे लिए बड़ा बाइस फख्र है कि आप यहाँ मौजूद तशरीफ लाए। मैं दूर होके भी रहता हूँ सबकी नजरों में, खुदा के फजल से कैसा मकाम हस्ती है, हिलाल इसलिए रोशन है बस्मे आलम में किसी के नूर की इस पर जो सरपरस्ती है, हिलाल इसलिए रोशन है बस्मे आलम में किसी के नूर की इस पर जो सरपरस्ती है। और मुनव्वर साहब ये हम सब लोग एक ही सिलसिले से हैं, और बड़ा खुशी होती है कि एक महफिल तरफ है डॉक्टर नफीस साहब आपके तवसुल से कि हम सब लोगों की मुलाकातें हो गई। यहाँ से मिजाज पर आता हूँ कि हमारा खत कबूतर ले गया है, हमारा खत कबूतर ले गया है तुम्हारी छत के ऊपर ले गया है, हमारा खत कबूतर ले गया है तुम्हारी छत के ऊपर ले गया है, सदब से कोई गौहर ले गया है, सदब से कोई गौहर ले गया है, कहाँ के थे कहाँ पर ले गया है, सदब से कोई गौहर ले गया है, कहाँ के थे कहाँ पर ले गया है, वो मुझसे भी ज्यादा तश्ना लब था, वो मुझसे भी ज्यादा तश्ना लब था, मेरे आंसू समंदर ले गया है, वो मुझसे भी ज्यादा तश्ना लब था मेरे आंसू समंदर ले गया है, एक अरसे से जानते हैं मुझे, वो मुझसे भी ज्यादा तश्ना लब था मेरे आंसू समंदर ले गया है, एक अरसे से जानते हैं मुझे, एक अरसे से जानते हैं मुझे, मेरे अखलाक से भी वाकिफ है, मैं किसी से हसद नहीं रखता लोग फिर भी मेरे मुखालिफ है, मैं किसी से हसद नहीं रखता लोग फिर भी मेरे मुखालिफ है, बेशक अच्छे लोगों के हमेशा मुखालिफ होते हैं। मुखालिफ है वो शेर देखे नफीस भाई आपके लिए कि बिछड़ने का बहाना ढूंढ लेना, बिछड़ने का
बहाना ढूंढ लेना, कोई अनजान शाना ढूंढ लेना, न हमसा दूसरा कोई मिलेगा जमाने भर जमाना ढूंढ लेना, न हमसा दूसरा कोई मिलेगा जमाने भर जमाना ढूंढ लेना। बड़ी तमाम शोरा, थोड़ा सा शेष 4-5 मिनट में मैं बहुत तेजी से ये पहुंचा दूंगा कि जरूरत के सबब निकले हैं घर से, जरूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं। जरूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं, मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं, खामोशी में डुबो नहीं सकते, आंसुओं से भिगो नहीं सकते, गुनगुनाते हैं कितने लोग मुझे मेरे अल्फाज खो नहीं सकते, गुनगुनाते हैं कितने लोग मुझे मेरे अल्फाज खो नहीं सकते। बड़ा अच्छा माहौल, ये राशिद मेरे बड़े अजीज है, बड़े अच्छे खिताब पढ़े थे, साक्षी ने भी बड़े अच्छे खिताब पढ़े। अब वही रंग में आ जाता हूँ कि अब उसे भूलना ही बेहतर है, अब उसे भूलना ही बेहतर है, याद तो सब किए नहीं जाते, अब उसे भूलना ही बेहतर है, याद तो सब किए नहीं जाते, मेरी नजरों में सस्ते लोगों को महंगे आंसू नहीं दिए जाते, मेरी नजरों में सस्ते लोगों को महंगे आंसू नहीं दिए जाते, जो गुजारे थे मैंने साथ उसके, बस वही लम्हे मेरे काम के हैं। नौशाद अनगढ़ और अनस भी तशरीफ ले आए, जो गुजारे थे मैंने साथ उसके, ये थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाए दोस्तों, आप थोड़ा सा ये मुंतशिर होता है जहन तो मेरा भी मिजाज भटकेगा, यहाँ तक आपने बड़ी मेहनत से तस्लीम की तो वक्त अपना समाप्त के अज्जा करके तालियों से इजाजत दे दीजिए जो भी वक्त मैं आपकी खिदमत करूँ, कि जो गुजारे थे मैंने साथ उसके, बस वही लम्हे मेरे काम के हैं, उसने सिंदूर जो लगाया है उसमें कुछ जर्रे मेरे नाम के हैं, उसने सिंदूर जो लगाया है उसमें कुछ जर्रे मेरे नाम के हैं। उस्ताद मौजूद है मेरे बड़े भाई मुनव्वर भाई अफजल भाई, देखिए काफी मैंने निभाया है इस मफहूम जो मैं शायरी पेश कर रहा हूँ, मेरे नाम के हैं शिकवा किए बगैर, शिकायत किए बगैर, शिकवा किए बगैर, शिकायत किए बगैर, मैं उसको भूल बैठा हूँ नफरत किए बगैर, शिकवा किए बगैर, शिकायत किए बगैर, मैं उसको भूल बैठा हूँ नफरत किए बगैर, और तरके ताल्लुकात को कहता था जो तलाक, तरके ताल्लुकात को कहता था जो तलाक, वो दूसरे का हो गया इज्जत किए बगैर, तरके ताल्लुकात को कहता था जो तलाक, वो दूसरे का हो गया इज्जत किए बगैर। और शेर देखें कि तुमसे घर तर के इश्क हो जाए, तुमसे घर तर के इश्क हो जाए, फिर भी दस्तूरे दोस्ती रखना, सारे दरवाजे बंद कर लो तुम एक खिड़की मगर खुली रखना, सारे दरवाजे बंद कर लो तुम एक खिड़की मगर खुली रखना। और शेर देखें कि क्या मोहब्बत निभाई है मैंने, दिल पे खुद चोट खाई है मैंने, क्या मोहब्बत निभाई है मैंने, दिल पे खुद चोट खाई है मैंने, इतने भी कीमती नहीं थे तुम जितनी कीमत चुकाई है मैंने, इतने भी कीमती नहीं थे तुम जितनी कीमत चुकाई है मैंने, जरा सी बात पे चेहरे को बेहिजाब किया, हिसाब ऐसा किया सारा पे हिसाब किया, हमारी जात थी अनमोल छोड़ दी उसने, वो बेवकूफ था दौलत का इंतखाब किया, वो बेवकूफ था दौलत का इंतखाब किया। और ये शुक्रिया गवारा, ये हमारे मसीह भाई थे, वो ऐसा एजाज नाम है, हाँ, गवारा जो ना करना था गवारा कर लिया उसने। ये नौजवानों जो आपने ये हारों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो इनकी दाद से आप नवाज देंगे कि गवारा जो ना करना था गवारा कर लिया उसने, मोहब्बत के उसूलों से गवारा कर लिया उसने, अभी तक ये सुना था इश्क बस एक बार होता है, अभी तक ये सुना था इश्क बस एक बार होता है, मगर सुनने में आया है दोबारा कर लिया उसने, मगर सुनने में आया है दोबारा कर लिया उसने। अच्छा मैंने ये, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा हाँ मैंने कुछ इन्वेंशन किए हैं दोस्तों, ये आपने तो बड़ा आपकी नफ पे हाथ रखा कि ये जो इंग्लिश के
अल्फाज हैं उसे मैंने शायरी में इस्तेमाल किया है। दो चार शेर सुना देता हूँ हर एक बातचीत के तौर पर। डॉक्टर साहब भी है हमारे के बैक स्पेस कर नहीं सकता, बैक स्पेस कर नहीं सकता, मुझको रिप्लेस कर नहीं सकता, फोन पे सारी बात कर लेगा, फेस टू फेस कर नहीं सकता, फोन पे सारी बात कर लेगा, फेस टू फेस कर नहीं सकता। और शेर देखे कि जाने तुम किसका वेट करते हो, प्रोफेसर अफजल मंगलोनी साहब की दुआएं, कि जाने तुम किसका वेट करते हो, मुझसे मिलने में लेट करते हो, क्या कोई और मिल गया तुमको, आजकल किससे डेट करते हो, क्या कोई और मिल गया तुमको, आजकल किससे डेट करते हो। अब ये दो शेर पढ़ के मैं आपकी रहमतें यहाँ तमाम होती है तरन्नुम से पेश कर दूं, और मतलब दो शेर थोड़ा सा इजाजत दे दे अपनी तालियों से तो मैं हासिल कर सकूं। सुभान अल्लाह। मतलब बतौर खास सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है। क्या कह रहे हैं, मुतवज्जो रहेगा थोड़ा सा। सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है, सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है, तुम्हें पता नहीं जीने को क्या जरूरी है, तुम्हें पता नहीं जीने को क्या जरूरी है। और कई शख्सियात हैं जो दर्द तदरीस से वाबस्ता है। एजाज भाई और हजरात, एक बड़ा पुराना मफहूम है सैयद हाशिम साहब के तुम अपना दिल मुझे दे दो। ये बड़ा छोटी सी बात है मगर मैं भी इसी एजुकेशन से मेरी वाबस्तगी है, तो इस मफहूम को मैंने थोड़ा सा साइंटिफिक हवाले से कहने की कोशिश की है। डॉक्टर, तुम्हें पता नहीं जीने को क्या जरूरी है, तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, इसे भी दूसरी आबो हवा से भी दूसरी आबो हवा जरूरी है, तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, इसे भी दूसरी आबो हवा जरूरी है, जरूरी ये नहीं आंखें हो झील सी गहरी, जरूरी ये नहीं आंखें हो झील सी गहरी, मेरे ख्याल से उनमें हया जरूरी है, मेरे ख्याल से उनमें हया जरूरी है, तुम्हें है शौक बहुत उंगलियां उठाने का, तुम्हारे सामने आईना जरूरी है, तुम्हारे सामने आईना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए साहब इन तमाम अशार